हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम जो हैं अपनी प्रिपरेशन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के साथ करेंगे, और उसमें या तो हम सेमीकंडक्टर लेकर चलेंगे या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। सो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले जो बेसिक होता है हमारा, वो होता है न्यूक्लियस के बारे में जानना कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब न्यूक्लियस कहाँ होता है, क्या होता है, चार्ज क्या होता है इसका, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इन सब के बारे में हम आज यहाँ थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले आता है हमारा एटम। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। सपोज दिस इज एन एटम, इसका जो पूरा मास होगा या इसका जो पूरा चार्ज होगा, इसका पूरा मास या फिर इसका जो चार्ज होगा वो इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, एंड विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। कि एटम का पूरा चार्ज और पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा, इस सेंटर पर करेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इनर साइड में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी से हम डिनोट करते हैं प्रोटॉन और एन से हम डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन को। और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट में मूव करेंगे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियॉन क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियॉन, व्हाट इज न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो वी कैन ऑल्सो से दैट न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब न्यूक्लियस का साइज जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के ऊपर, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। अब हम किसी भी एटम को डिनोट करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं, एक सिंबल ले लेते हैं हम, सिर्फ इतना। जो ये एक्स होता है ये किसी भी एलिमेंट का नाम हो सकता है, जो ये जड़ होता है ये एटमिक नंबर हो सकता है, और जो ये होगा एटमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ए इज द मास नंबर। सो जेड को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए इज द मास नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? कि हमने इस मास नंबर में से हमने इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या निकलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-235, सो टेल मी इट्स जेड। सो व्हाट कैन आई डू, व्हाट इज जेड? जेड इज द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो इसमें हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 92। व्हाट इज ए? ए इज द मास नंबर, सो 235 इज द मास। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 235। ओके, सो हमारा आगे आता है व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप जो होते हैं जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम इसका? 1H1, 1H2, 1H3। इसमें देखो जो एटमिक नंबर है दैट इज वन विच इज सेम इन ऑल द एलिमेंट, बट द मास नंबर इज डिफरेंट फॉर ऑल द, क्या कि एटमिक नंबर तो सेम है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल Li, और साथ में 3Li7। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आइसोटॉप्स। और व्हाट इज आइसोबार?
आइसोबार क्या होता है, जिसमें सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल 1H3 और 2HE3. इसमें क्या है, मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है. इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल हम दे सकते हैं, क्लोरीन 35 एंड सल्फर, ठीक है. अब उसके बाद आता है आइसोटोन. सो व्हाट इज आइसोटोन, आइसोटोन इज दैट विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीन 1737 एंड पोटाशियम 1939. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला कहता है ए माइनस जेड. A is 37 here and Z is 17. So what we get? So number of neutron in both the element is 20. So number of neutron is the same but the atomic number is different. Okay. So how can we find न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज हम किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. न्यूक्लियर साइज जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोन. जैसे मैंने पहले यहाँ बताया था कि न्यूक्लियन क्या होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर. सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियोन्स, ठीक है. सो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. अब ये जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आर क्यूब जो है ए के अकॉर्डिंग चेंज होगी, बट वी कैन राइट आर नॉट इज कॉन्स्टेंट हेयर एंड इट्स वैल्यू इज 1.2, दैट इज इक्वल टू 1.2×10⁻¹⁵ मीटर. दिस वैल्यू शुड बी लर्न. आज बेसिक में हम सिर्फ आज इतना ही करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रेडियो एक्टिविटी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. थैंक यू.